आज ट्राइबल आइडेंटिटी मूवमेंट अरुणाचल प्रदेश ने सैम पिट्रोडा चेयरमैन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस द्वारा उत्तर पूर्वी भारतीयों को चीनी बताने की हालिया टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रस्ताव रखा। सदस्यों ने नस्लीय टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक और पूरे देश में नस्लीय भेदभाव के शिकार सभी उत्तर पूर्वी भारतीयों का अपमान करार दिया। सदस्यों ने कांग्रेस नेताओं पर भी समान रूप से दोषी होने का आरोप लगाया और तत्काल सुधार और माफी की मांग की। इसके अलावा आंदोलन के सदस्यों ने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सैम पित्रोदा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का पुतला जलाया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सैम पित्रोदा जिंदाबाद। सैम पित्रोदा जिंदाबाद। भारत माता की जय। तो आज का हमारा इशू है कि कांग्रेस का जो ओवरसीज का जो प्रेसिडेंट करके है सैम पित्रोदा, जो कि एक गैर जिम्मेदार वाला एक उन्होंने बयान दिया है कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज से करके, तो इसमें हमारा बहुत ही आपत्ति है। हम उस बात को निंदा करते हैं और उसके साथ में हमें यहाँ पे कांग्रेस का एक्चुअल डीएनए को भी दिखाई देता है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे 1962 के वार में उन्होंने कहा था कि नेपा को, कि अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने लगभग छोड़ ही दिया था, मगर हमारे जो भारतीय सेना है उनके साहस के कारण आज अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल बन के रह रहा है। और उसके साथ में ही हमें जो कांग्रेस का जो एक सोच है उसको भी दिखाई देता है। मैं इसीलिए कांग्रेस पार्टी को निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी के स्टेट का जितना भी ऑफिस का अभी वर्किंग कमिटी है और उसका साथ साथ में जितना भी नेशनल लीडरशिप है उन सभी से हम चाहते हैं कि वो सभी संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट वासी को, जितना भी नॉर्थ ईस्ट में है उन सभी से माफ़ी मांगे और उसके साथ साथ में सैम पित्रोदा जो कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है उसके लिए उनको भी माफ़ी मांगने दें। ये हमारा ट्राइबल आइडेंटिटी मूवमेंट का मांग है। Today we have gathered here to solicit our protest against the recent remark made by an ex-Indian Congress Overseas President, Sam Pitroda. Today, Tribal Identity Movement, this is the press release which I am reading out. Tribal Identity Movement Arunachal Pradesh organized a motion of protest against recent remarks on Northeast Indians as Chinese by Sam Pitroda, Chairman, Indian Overseas Congress. India's diversity is the heart and soul of India's identity, and this diversity has been celebrated as only Indian, only Bhartiya since ages. But people like Sam Pitroda, who tends to keep themselves in light, tries to create a divisive and alien identity among the people by stating that North people looks like white, West the Arabs, South the Africans, and the East the Chinese. This racial remarks made by him is derogatory and is an insult against all the brothers and sisters of Northeast India who are victims of racial discrimination across the nation. We stand firm against such despicable comments by him, and we also hold Indian National Congress Party, of which he was an active member till yesterday, equally responsible for holding such divisive beliefs against the people of Northeast India. It seems the very DNA of Indian National Congress Party has failed to understand the stance of brothers and sisters of Northeast India. And Pitroda's remark, it's nothing new in reflecting the true nature of the parties regarding the people of Northeast India. We, as a Northeastern, stands against this remark made by him, and we are Indians by thought, by belief, and definitely by looks. Thank you.